और बलरामपुर के रहरा जूनियर हाई स्कूल से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। 72 सालों बाद भी खतौनी में रहरा जूनियर हाई स्कूल का नाम दर्ज नहीं किया गया। साल 1952 में स्कूल के नाम से 47 डिसिमल का बैनामा हुआ था। दाखिल खारिज न होने से भूमाफिया सक्रिय हो गए हैं और उक्त स्कूल की जमीन खतौनी में अपने नाम अंकित कराकर भूमाफिया करोड़ों में बेच दिया है। मामले की जानकारी मिलने पर समाज सेवी ने उच्च अधिकारियों की शिकायत की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। देखिए, आज 9:30 बजे रात्रि के बाद पुलिस को एक तथ्य के संज्ञान हुआ कि एक एपीएन कॉलेज है, शहर के अंदर ही है, जहां प्रदर्शनी संभवतः शुरू होने वाली थी। एक बाहर के लोग थे आकर के अपना कुछ वो अपना सेटिंग वगैरह करा और आ रहे थे। उसमें से एक कोई स्टूडेंट लीडर पहले का संभवतः रहा है, जीता है, हारा है, अभी बहुत जानकारी नहीं है, और उसके साथ कुछ और साथियों द्वारा वहां पहुंच करके उसके साथ किसी इशू को लेकर के वहां वाद विवाद हुआ है, जिसमें एक मिस्टर राकेश शुक्ला जी हैं, उनको चोट आई है और उनके दो भाइयों को भी चोटें आई हैं। यह हॉस्पिटल में स्थानीय लेवल पर क्षेत्राधिकारी स्तर से और मेरे द्वारा स्वयं भी जा करके उनसे बात की गई है, डॉक्टर से बात की गई है, और उनसे तहरीर ली जा रही है। उनके द्वारा जो भी तहरीर दी जाएगी, अभियोग का पंजीकरण करा करके इसमें जो भी दोषी होगा कठोरतम कार्रवाई कराई जाएगी। सर, जानकारी मिल रही कि सर भीड़भाड़ वाला इलाका है, चूँकि प्रदर्शनी है, उस वहाँ पर चाकू